तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक पर्सन मोहम्मद जाकिर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तेलंगाना हुकूमत बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर आईटी केटीआर से गुजारिश की जाती है कि वो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टीएसपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और एक इंक्वायरी कमेटी बिठाए। देखिए टीपीसीसी स्पोक पर्सन मोहम्मद जाकिर ने क्या कहा। तेलंगाना रियासत सरकार जो बेरोजगार है वो लोग का खिलाफ पेपर लीकेज का हमला ला लिए। हम कांग्रेस पार्टी का तरफ से डिमांड कर रहे तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीकेज, वो कमीशन का अंदर जो काम कर रहे जो एम्प्लॉयज है वो लोग का जिम्मेदारी, सिर्फ वो लोग का जिम्मेदारी नहीं है, इसका पीछे तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का सेक्रेटरी है, वो लोग का पीछे सारे वजीर आजम है, सारे वहां पर मिनिस्टर्स है। हम एक ही डिमांड कर रहे रियासत का सीएम केसीआर इसके बारे बात करना है, केटीआर बात करना है। तेलंगाना में 15 से 20 लाख तक बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयज है, वो लोग पूरा परेशान में है, दिन रात इकट्ठा करके वो लोग पढ़ रहे, एक मेरिट का ऊपर वो लोग जीने के लिए कोशिश कर रहे, मगर वो लोग को इंसल्ट करने के लिए पेपर लीकेज हुआ। अभी कांग्रेस पार्टी का तरफ से हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे सिटिंग जजी से एक इंक्वायरी कमेटी लगाना है, वो सिटिंग जज इंक्वायरी कमेटी इसको ऊपर पूरा डिटेल इंक्वायरी करना है, और जो नाइंसाफी ऑफ स्टूडेंट्स को वो लोग इंसाफ देना है, जो कल्पिट्स है वो लोग इमीडिएटली सजा देना है, पनिशमेंट देना है, ये कांग्रेस पार्टी का डिमांड है।